जहाँ सिक्योरिटी की बात है यार, पाकिस्तान की टीम भी तो इंडिया आई थी और हम यहाँ पे सिक्योरिटी, प्रियांशु यार सिक्योरिटी की कोई बात ना है, अब तो पाकिस्तान में पूरी दुनिया खेल के जा चुकी है, ये बोलने की बात है। दोस्तों तो बीसीसीआई ने और इस तुच्छे इंसान जैसा, जो ये कमीना इंसान जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को तोड़ने वाला ये कमीना इंसान, इसने भी अभी बोल दिया कि हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे पाकिस्तान। तो सुशांत मेहता जो इंडिया का स्पोर्ट यारी का चैनल चलाता है उसने क्या कहा है, उसने पहली बार पाकिस्तान के हक में बोला है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, यहां पर प्रूफ दूंगा मैं आपको कि सुशांत मेहता पाकिस्तान के हक में बोल पड़ा है और उसने बीसीसीआई को और जयशाह को नंगा कर दिया है। उसने सच बोला है कि दुनिया की हर टीम पाकिस्तान जाके खेल चुकी है 2015 के बाद, वनडे टेस्ट T20 और एशिया कप हो चुका है पाकिस्तान में, तो तुम लोगों को पिछवाड़े में तकलीफ क्यों हो रही है। सीधी बात करो कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की हजम नहीं हो रही तुम लोगों को, कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल कैसे हो गया। सबसे पहले आप सुशांत मेहता की ये वीडियो देख लो। जहां सिक्योरिटी की बात है यार, पाकिस्तान की टीम भी तो इंडिया आई थी और हम यहां पे सिक्योरिटी, प्रियांशु यार सिक्योरिटी की कोई बात ना है, अब तो पाकिस्तान में पूरी दुनिया खेल के जा चुकी है, ये बोलने की बात है। ऐसा तो है नहीं कि आपके रिलेशन कभी पहले अच्छे थे, हमेशा खराब ही थे। आप हमेशा गए हो भाई, लास्ट आपकी बड़ी वॉर कारगिल ही थी ना, उसके बाद भी आप गए। सारी कंट्रीज वहां जाके खेल चुकी हैं। जयशाह साहब तो चाह रहे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हो, 2 से 3 मैच हो, फाइनल में आए इंडिया पाकिस्तान, भाई इट्स गुड फॉर बिजनेस, सीधी बात है, सारा पैसा ही उधर से आ रहा है भाई, धंधा कोई नहीं छोड़ता, सीधी बात यही है। अगर ICC भी करवाता है, क्यों इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डालता है? पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान गेम एक तरफ, तो अगर इंडिया पाकिस्तान जाती है भाई आप पागलपन हो जाएगा, आप समझ रहे हो, मुझे लग रहा है चले जाएंगे ये लोग, इससे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। देख लिया ये वीडियो, ये वही सुशांत मेहता है जो हर बार पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रोल करता रहता है। उस बंदे ने भी बीसीसीआई को आईना दिखा दिया, बोल दिया कि वाकई तुम कमीने लोग हो, तुम बेगरत लोग हो। भाई मैं बोलूंगा इनको, ये बेगरत लोग है, ये कमीने लोग है, ये जैसा जो इंडिया क्रिकेट को चला रहे हैं, मैं इंडिया कंट्री को नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया की आवाम को नहीं बोल रहा हूँ, जो इंडिया के क्रिकेट को चला रहे हैं सबके सब कमीने लोग हैं, और जो हुकूमत को चला रहे हैं वो भी कमीने लोग हैं। इन बेगरत लोगों ने कसम उठा ली है कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, पाकिस्तान में क्रिकेट कैसे बहाल हो गया, इनको तकलीफ हो रही है पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान के क्रिकेट से इनको तकलीफ है। इनके बाप जो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, दुनिया की अमीर तरीन और भी टीमें हैं भाई, वो आ रही है पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड लास्ट के 2 साल में पाकिस्तान के 3-4 बार पाकिस्तान में आके खेल के गई है। पाकिस्तान में टेस्ट, T20, वनडे न्यूजीलैंड ने तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान ने खेले हैं, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इन्होंने भी तीनों फॉर्मेट खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया ने, श्रीलंका ने भी तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान में खेले हैं, बांग्लादेश अभी टेस्ट खेलने पाकिस्तान आ रहा है, अफगानिस्तान ने वनडे सीरीज खेली, जिम्बाब्वे खेल गया है, आयरलैंड खेल गया है, दुनिया की छोटी बड़ी टीमें सारी आ रही है, उनको कोई मसला नहीं है। इनको बड़ा मसला है कि हमारी टीम नहीं जाएगी इंडिया, और भाड़ में जाओ, तुम्हें बुलाता कौन है, तुम जैसे कमीने लोगों की जरूरत भी नहीं है, दफा हो जाओ, श्रीलंका आएगी, जरूरत नहीं है तुम जैसे फसादी लोगों की। पाकिस्तान को कितना भी गिराना चाहोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम लोग बेगरत हो, दुनिया को बताना चाहते हो कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है। क्यों, दुनिया अंधी है, लोग बेवकूफ है, सोशल मीडिया तुम्हारे पास है, दुनिया के पास नहीं है, दुनिया बेवकूफ है, देख रहे हैं सब, क्रिकेट वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं क्रिकेट की, सारे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो चुका है, पाकिस्तान में हर टीम आ रही है क्रिकेट खेलने, यहां तक कि स्पोर्ट की और टीमें भी इंडिया की पाकिस्तान में आ रही हैं, वहां पे इंडिया को कोई मसला नहीं है, वहां पे इंडिया की हुकूमत अपने पिछवाड़े में टेप लगा के बैठ जाती है। इंटरनेशनल टीम की बात हो तो वहां पे ये कुत्ते की तरह भौंकने आ जाते हैं कि हमें नहीं जाना, क्यों, सिक्योरिटी का मसला है। सीधी बात करो ना कि पाकिस्तान में इंडिया टीम जाएगी, दुनिया की सारी टीमें इकट्ठे होंगी, पैसा बनेगा पाकिस्तान का, हैं? और इनकी सबसे बड़ी मुनाफ़की आप लोगों को मैं बता दूं, इनको तकलीफ है पाकिस्तान के साथ, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सीरीज भी नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में भी नहीं खेलेंगे, लेकिन टूर्नामेंट जो ICC के होते हैं, एशिया कप होते हैं, वहां पर इनको खेलना है। इनकी बेगरता ही आप लोग देख लो, इनकी मुनाफ़की आप लोग देख लो कि वहां पर इनको खेलना है, बस पाकिस्तान में नहीं खेलना है।